नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ तू झूठी मैं मक्कार के 26वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और उसी के साथ चर्चा करेंगे रानी मुखर्जी की मूवी मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के 16वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के वीडियो करते स्टार्ट। और पहले बात करते हैं रानी मुखर्जी की मूवी मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के बारे में। देखा जाए दोस्तों, इस मूवी ने अपने 16वें दिन भी 60 लाख के ऊपर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। अगर हम इसके टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो इस मूवी ने 18 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर दिया है। और दोस्तों, ग्रॉस कलेक्शन के मामले में इस मूवी ने 21 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर दिया है। अगर हम इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में भी 30 करोड़ आंकड़ा क्रॉस कर दिया है। और देखा जाए दोस्तों, ये मूवी हो चुकी है हिट मूवी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो 15 से 20 करोड़ रुपए लगभग बताया जा रहा था, और वर्ल्ड वाइड के मामले में इस मूवी ने 30 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है। और रानी मुखर्जी की ये मूवी हो चुकी है हिट मूवी दोस्तों। अब बात करते हैं रणवीर कपूर श्रद्धा कपूर स्टारर मूवी तू झूठी मैं मक्कार के बारे में। देखा जाए दोस्तों, ये अपने 26वें दिन भी तगड़ी कमाई करते हुए दिख रही है। यानी कि संडे वाले दिन ये मूवी 1.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन करते हुए दिख रही है। और इस मूवी का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 137 करोड़ रुपए लगभग दोस्तों। वहीं अगर हम इसके ऑल ओवर इंडिया क्रॉस कलेक्शन के बारे में बात करें तो इस मूवी ने 162 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में दोस्तों, इस मूवी ने 203 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है। और देखा जाए दोस्तों, ये मूवी हो चुकी है सुपर हिट। पठान के बाद बॉलीवुड की ये दूसरी ऐसी मूवी है जिसने देखा जाए इस साल सुपर हिट मूवी रही है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, बाय बाय।